नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ रूपल मौर्य। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में स्थित कार्डियोलॉजी में भर्ती मरीज की मौत का कारण पूछने पर तिमालदारों पर डॉक्टर भड़क गए, जिस पर तिमालदारों और डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट हो गई। आधे घंटे तक चले विवाद के चलते अस्पताल में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मृतक के बेटे ने डायल 112 को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के ही घर से तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि देर रात दोनों पक्षों में समझौता हो गया। फतेहपुर के हरिहरगंज निवासी आदित्य कुमार ने बताया कि उसके पिता चंद्रपाल को तीन दिन पहले सीने में दर्द होने की शिकायत पर निजी अस्पताल में दिखाया था, जहां से उन्हें कार्डियोलॉजी के लिए रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान अचानक उनके पिता की पल्स बंद हो जा रही थी, जिस पर उन्होंने डॉक्टर से देखने के लिए कहा, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थे। आरोप है कि शुक्रवार को डॉक्टर की लापरवाही के चलते उनके पिता की मौत हो गई। डॉक्टर से मौत का कारण पूछा तो वे भड़क गए। पिता की मौत के बाद बहनों ने विरोध किया तो डॉक्टर ने पहले गाली गलौज की। बहन संध्या, रानी और अंजू ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो डॉक्टर ने मोबाइल छीन लिया। आरोप है कि इसके बाद उन लोगों से भी अभद्रता की, जिसके बाद उन लोगों को बचाने के लिए हाथ पांव चलाने पड़े। आरोप है कि किसी तरह डॉक्टरों से चंगुल से छूट कर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घटना के बाद पीड़ित की और से तीन लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इस संबंध में स्वरूप नगर इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि थाने पहुंचकर दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है।